हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। ये जूलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, तो आज हम इसे देखेंगे। इन मल्टी सेल्युलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरनल सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू मतलब ये ग्रुप रहता है सिमिलर सेल का और ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है एक ही, और इसे हम इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल टिश्यू को। द स्ट्रक्चरल सेल वेरी कैरी अकॉर्डिंग देयर फंक्शन। देयर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड वर्ली क्लासिफाइड इंटू फोर टाइप, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल। एनिमल टिश्यू के चार टाइप होती है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो पहला हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू हैज फ्रीली सरफेस फेस आइदर बॉडी फ्लूइड आउटसाइड इन्वायरमेंटल प्रोवाइड कवरिंग लाइनिंग सम पार्ट्स और बॉडी पैक्ड विथ इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। मीन्स ये जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है ये फ्रीली सरफेस पे रहता है आउटसाइड इन्वायरमेंटल, पैक्ड विथ इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स से पैक्ड रहता है। और इसके दो टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, जो सिंपल एपिथेलियम जो रहता है वो सिंगल लेयर से बना रहता है, और फंक्शन जो है उसका लाइनिंग लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्स, ट्यूब्स, ये स्किन में रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, जो मॉडिफिकेशन हुए है सेल में, तो सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइड हो गया थ्री पार्ट्स में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमना। तो ये देखिए, ये है क्वैमस, क्यूबॉइडल ये क्यूब लाइक शेप एंड एक कोलुमनार सिलेंडर लाइक लॉन्ग टेल। तो चलो देखते हैं। स्क्वैमस मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर पैटर्न इरेगुलर बाउंड्री, दे आर फाउंड इन वॉल्स बॉड सैग जंक्शन। ये कैसे रहते हैं इरेगुलर स्क्वैमस एपिथेलियम, जो हमें देखने को मिलते वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स इन्वॉल्व फंक्शन। फंक्शन क्या है इनका, फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्रीज, डिफ्यूजन बाउंड्रिंग ये फॉर्म करते हैं। सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर चीज बना है, ये फाउंड कहाँ होते हैं डक्स एंड ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी। मेन फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि PCT नेफ्रॉन ऑफ किडनी। PCT में क्या रहते हैं माइक्रोविली माइक्रोविली। और थर्ड है क्यूमुलर एपिथेलियम, इट्स कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर। ये जितने भी अपने को एपिथेलियम दिए हैं सिंपल सिंपल एपिथेलियम के टाइप, ये सभी सिंगल लेयर से ही बने। देयर न्यूक्लिया लोकेटेड कंपोज फ्री सरफेस में भी माइक्रोवाइल लाइनिंग बियर। ये रहते ये फाउंड होते क्यूमिनल क्यूमिनल जो एपिथेलियम रहते ये स्टोमच और इंटेस्टाइन में फाउंड होते, ये भी सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन काम करते। जब क्यूमुलर और क्यूमुनार और क्यूबॉइडल बियर्स करते सीलिया को, तभी हम उसे क्या बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये किस में फाउंड हुए थे, ब्रांचियोल्स एंड फॉलिफियन ट्यूबुल्स फॉलिफियन ट्यूबुल्स। सम क्यूमुनार एंड क्यूबॉइडल स्पेशलाइट सिक्रेशन आर कॉल्ड ग्रैन्यूल, जो स्पेशल स्पेशल सिक्रेशन होता है उसे ग्रैन्यूल एपिथेलियम कहते हैं। इसके भी दो टाइप है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फ्लावरिंग एंड सिक्रेशन,
ग्लैंड्स डिवाइड इनटू टू कार्टिजेज, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो यूनिसेलुलर ग्रैंड्यूल सेल रहते हैं वो एलिमेंट्री कैनल में फाउंड होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर रहते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस। एक्सोक्राइन जो रहते हैं ग्लैंड वो क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव अदर, वैसे सीक्रेट करती है। अब हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, मेड अप देन मोर देन वन लेयर, मीन्स ये दो से ज़्यादा लेयर से बना रहता है। मेड अप ऑफ मोर देन रोल ऑफ सिक्रेशन एंड अब्सॉर्प्शन, इसका लिमिटेड रोल रहता है। ये इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल ट्रेसेस, ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है कंपाउंड एपिथेलियम। अभी देखेंगे हम जंक्शन। जंक्शन थ्री टाइप के रहते हैं, टाइट जंक्शन, अदरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इसे हम याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, जिसका टैग से याद रख सकते हैं। टाइट जंक्शन यानी कि टाइट, ये क्या करता है? स्टॉप करता है फ्रॉम लीकिंग, टाइट यानी लीकिंग से बचाता है, ये स्टॉप करता है। और अदरेसिंग जो रहता है वो सीमेंटिंग, कीप नाइदर बॉइलिंग से, ये जुड़ाने का काम करता है आजू बाजू के सेल को। जो गैप जंक्शन रहता है वो कम्युनिकेट करता है अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म से। इसे ही हम जो भी सेल रहते हैं एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उसे गैप जंक्शन बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली, अभी देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू वो कैसा है। मोस्ट एबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एनिमल, दे आर नेम ऑफ कनेक्टिव बिकॉज फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लिंकिंग के लिए और सपोर्ट के लिए काम आता है। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, ये वेरी IMP, ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर। टिश्यू ब्लड सीक्रेट्स फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलिन और इलास्टिन। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप में? थ्री टाइप में होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज से हम याद रखते थे ला से लूज के टाइप। लूजली प्लैक्ट रहते, सेमिनल फ्लूड, ग्राउंड सब्सटेंस रहते, इसे हम एरियोलर टिश्यू भी कहते हैं, जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू अनदर टाइप, ये भी मीन्स ये एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है दो, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, इसे हम ला करके याद रख सकते। फाइबर्स एंड फाइब्रिनोजन आर कम्प्लीटली पैक इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, इनका ही मेन रोल होता है। आप देख सकते हैं ये कोलिजन फाइबर है, मीन्स ये डेंस रेगुलर और इरेगुलर। इंट्रासेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, इंट्रासेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोट आउटर ईयर बिटवीन एडजस्टमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मल्टीपल कॉलम लिम्स। ये जो कार्टिलेज है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? नोज में, ईयर जॉइंट्स में, बिटवीन एडजस्टमेंट ऑफ बोन्स में जो एडजस्टमेंट होती है। आपको तो बोन तो पता ही होगा, बोन इज अ हार्ड नॉन पोलाइटल सब्सटेंस, कैल्शियम बोलते हैं ना, कैल्शियम से ताकत आती है, वैसे ही बोन में। बोन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना,
जो सॉफ्टल टिश्यू और ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करना। और एक कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे दिखाई देता है, स्पेस कॉल्ड ल्यूकेनाई, ल्यूकेनाई पे ये हमें दिख सकते हैं। और ब्लड, ब्लड किस किन चीज़ों से मिला है, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन तीन चीज़ों से मिलके बना है। ब्लड का, ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अभी देखेंगे हम मसल टिश्यू, ये बहुत आयम पे, मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल दिस फाइबर्स कंपोज ऑन मेम्ब्रेन फाइन कॉल माइक्रोफिली। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है मसल टिश्यू, और ये मेनली फाइबर से बना होता है, उसको ही हम माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। इसके तीन टाइप है, स्केलेटन, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे, स्केलेटन मसल इज अ कोडली अटैच टू द स्केल। हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्केलेटन कहाँ पे आएगा, स्केलेटल बोन में, इसीलिए हम इससे ऐसे भी याद रखते सकते हैं। ये कोजले प्लैक्ट रहते, शीश से बने रहते कनेक्टिव। सेकंड देखेंगे, ये आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल लाइक, ये इसे ही हम कहते हैं स्केलेटल मसल। सेकंड है स्मूथ मसल, ये टैपर ऑफ बोथ एंड, बोथ एंड से टैप टैप करके रहते हैं, ये शो स्टेरिएशन, टेरिएशन दिखाते हैं। सेल जंक्शन हो वॉल, ब्लड सेल ऑर्गन सर्च एट ब्लड वेसल फ्रॉम मच, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स, स्टमच, इंटेस्टाइन पे ये मसल रहते हैं स्मूथ मसल। और कार्डियक से, कार्डियक मसल टिश्यू जो रहते हैं ये मेनली हर्ट में रहते हैं। आपने सुना होगा हर्ट, हर्ट अपना जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना, वो इसी की वजह से कार्डियक मसल। तो यही मेन फंक्शन है हर्ट में इसका, कार्डियक मसल का। अब हम देखेंगे न्यूरल टिश्यू एग्जर्टेड बाय गेट्रल कॉर्ड। न्यूरल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल आप कह सकते हैं, जिसे जैसे कि एक सेंसेशन वाला पार्ट है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ये सेंसेशन मीन्स सेंस होना, एक तरह का सेंस टाइप टिश्यू है ये न्यूरल टिश्यू। अभी हम देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच जो रहते हैं वो ब्राउन ब्लैक में प्रेजेंट रहते हैं, और ये कौन से फाइलम में आते हैं, ऑर्थोपोडा, और कौन से क्लास में इंसेक्टा, ये बहुत बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आईएम पे कौन से क्लास में आते हैं, इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा। ग्रीन रेड कलर कॉकरोच है ऑल्सो रिपोर्टेड ट्रॉपिकल, ये कुछ काम का नहीं। ये इनके इंचेस क्या रहते हैं, 1/4 इंच टू 3 इंच तक रहते। फ्लैट एक्सटेंशन अपर बॉडी। तो इनके हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, कॉमन स्पेसिस ऑफ कॉकरोच, पेरी प्लानिटा अमेरिका, ये अमेरिका, ये साइंटिफिक नाम है कॉकरोच का, जो मोस्ट कॉमन पेसिस है, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, प्लानिटा अमेरिका जो मोस्ट कॉमन स्पेसिस है। 35 नैनोमीटर लॉन्ग रहती है, 34 to 53 मीटर मिलीमीटर लॉन्ग रहती है। बॉडी ऑफ कॉकरोच सेगमेंटेड, बॉडी जो रहती है कॉकरोच की वो तीन टाइप में रहती है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। एक्सोस्केलेटन है हार्डेस्ट प्लेटलेट्स कॉल स्क्लेरिट्स। हार्डेड जो एक्सोस्केलेटन है किससे मिलकर बना है, हार्डेड प्लेटलेट स्क्लेरिट्स से। और जो थिन फ्लेक्सिबल एल्चुअल मेम्ब्रेन रहते हैं उसे हम क्या करते हैं, एर्थ्रोड्रियल मेम्ब्रेन, एर्थ्रोड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो विंग्स है, विंग्स, फोर विंग्स, उसे हम टैगमिना कहते हैं, और ये मीजोथोरैक्स में मिलता है, ये वेरी वेरी आई एम पे मीजोथोरैक्स में।
एंटीनी, एंटीनी हैव अ सेंसरी रिसेप्टर हेल्प इन मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट। एंटीरियर जो रहता है वो कॉकरोच को हेल्प करता है लाइक सराउंडिंग में, सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग लिविंग के लिए वो मदद करता है। एंटीरियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग, जो एंटीरियर एंड रहती है कॉकरोच की वो बाइटिंग या च्यूइंग के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। माउथ पार्ट कंटेनिंग लेबर, लेब्रम, लेब्रम जो अपर लिप है, लेब्रम क्या है अपर लिप, ये पेयर क्या की है मैंडिबल की, लेब्रम क्या है अपर लिप, पेयर ऑफ मैक्सिली, लेबियम ये लोअर लिम है, लेब्रम अपर लिम और लेबियम लोअर लिम, मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, हाइपोफायरन्स ये बहुत आयम भी बच्चों, हाइपोफायरन्स टंग्स जो मीडियम फ्लेक्सिबल रहती है वो टंग की तरह एक्ट करती है, हाइपोफायरन्स जिसे हम कह सकते हैं। थोरैक्स, थोरैक्स थ्री पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, प्रोथोरैक्स, मिडोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ये जो नेक है ये शॉर्ट एक्सटेंशन है प्रोथोरैक्स का, और थोरैक्सिक सेगमेंट बियर्स पेयर्स ऑफ, ये देखो फोर स्विंग्स मिडोथोरैक्स में रहते हैं कॉल टेगमिना, ये बहुत आईएमपी बच्चों। द एब्डोमन ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल कंटिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, 7 स्टर्नम बोट शेप, थ्रेड लाइक एनल स्टाइट विच अब्सेंट इन फीमेल, जो एनल स्टाइल्स रहते हैं वो मेल्स में रहते हैं पर फीमेल्स में अब्सेंट रहते हैं।